अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग मैं यहीं से शुरू करता हूँ, क्योंकि दो दिन पहले हम पूछ के आए थे पंजाब पुलिस से उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह, और आज हम एडमिशन करवाने जाएंगे और आपको भी साथ साथ लेके चलेंगे। पर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बवक्त पहुँच सके। और जो रिक्वायरमेंट्स थी वो तो क्या कहते हैं, दो तो अबू जान के जिम्मे में थी, दो मेरे जिम्मे में थी जो मुझे भूल गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रात को बताया, मैं जल्दी से उठाऊँ और जाने लगा हूँ। बेफाम की कॉपी करवानी है अभी, और अभी जो पिक्स हैं वो भी लगवानी है, ठीक है। वो जाएंगे अब बनवाएंगे, फिर ले के आएंगे, फिर हम जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो गाइस, अब मैं इधर से पिक्स बनवाने के लिए आया हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी दुकान है, ये मेरे बाबा के अबू जान के दोस्त की दुकान है, उनका वहाँ से जाके बनवा लो। वो अंदर पिक्स बना रहे हैं, मैं जब भाई बैठा हुआ हूँ और आप ये माहौल दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। आप भी यहाँ पर ज़रूर आएँ और इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट किया जाएगा। इस दुकान का नाम A1 फ़ोटो स्टूडियो है। तो ओके गाइस, अब मैंने तस्वीरें बनवा कर मैं घर की तरफ रवाना होऊंगा, और उधर जाकर गाड़ी में बैठेंगे, फिर उकाड़ा गाड़ी में जाएंगे। तो गाइस, अब हम उकाड़ा के बाईपास पर पहुंच गए हैं। आगे कुछ ही मिनटों का फासला रह गया, फिर पंजाब पर ही पहुँच जाएंगे। गाइस, आप ये देख सकते हैं कि बेफाम की कॉपी भी हो गई है, और साथ ही साथ रोल नंबर स्लिप की कॉपी भी हो गई है, और ये दो पिक भी हो गई है, ठीक है। देखिए, और हम थोड़ी देर तक पंजाब उकाड़ा पहुंच गए, देखिए आप देख सकते हैं। तो भाई ये देखे हैं कि सारा सामान वगैरह ले लिया, रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लिया उनकी, और हम अंदर जाएंगे। और पहले क्योंकि दूसरा कोरोना का सीन चल रहा है, और इसीलिए मास्क पहनना ज़रूरी है। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मास्क ज़रूर पहने, और मैंने भी पहन लिया। अब अंदर चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो गाइस, अब हम पंजाब उकाड़ा से एडमिशन करवा के उनके गेट से आउट हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अंदर क्या बातचीत हुई। तो गाइस, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड है, इसको बेफाम की कॉपी और फादर CNIC की कॉपी, और साथ ही साथ रोना बशीर की कॉपी, और दो फ्रेश पिक्चर, ये आपकी चीज़ें रिक्वायर्ड है। आप इनको डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा कर हमें देंगे और डॉक्यूमेंट्स फिल करके देंगे। वो वहीं पर बैठ के मैंने डॉक्यूमेंट्स फिल किए, और उसके साथ साथ उन्होंने ये चीज़ें हमें दी हैं कि ये एक तो साफ से प्रूफ हो गया कि प्री क्लासेस में एडमिशन हो गया मेरा, ठीक है। 4171 फॉर्म नंबर है, 13/8/2021 देखें। और ये चीज़ें उन्होंने एक्स्ट्रा भी दी है, बैच नंबर 2 दाखला, ये डिसिप्लिन वगैरह, कम अज़ कम महलियत बराए दाखला, और ये फ्री मॉर्निंग प्री क्लासेस बैच नंबर 2 2021 में दाखिल होने वाले तलबा को अख्तियार होगा कि नहीं, कि उन्हीं क्लासेस को एडवांस क्लासेस की सूरत में जारी रख सकते हैं। तो गाइस, हम पंजाब का उकाड़ा कॉलेज से एडमिशन करवा कर वापस आ चुके हैं, वापस घर की तरफ रवाना होने लगे हैं। पर भैया ने कहा है कि पहले उकाड़ा की मंडी से कुछ सामान लेंगे, फिर घर की तरफ जाएँगे। तो इस वजह से अब हम उकाड़ा मंडी की तरफ जाएंगे, उधर से जाकर सामान लेंगे। सामान लेकर, क्योंकि उकाड़ा मंडी में से सामान अच्छा मिल जाता है और ताज़ा मिल जाता है, क्योंकि वो एक बड़ी मंडियों में शुमार हो जाता है। वहाँ से सामान अच्छा मिल जाता है और साथ ही साथ अच्छा और ताज़ा मिल जाता है, क्योंकि ताज़ा जो चीज़ है ना वो ज़्यादा सेहतमंद बनाती है बंदे को, इसलिए ताज़ा सामान लेंगे। उसके बाद मसाला वगैरह लेंगे, और भी कुछ चीज़ें होंगी छोटी मोटी वो भी लेंगे, और साथ ही साथ आम वाला अचार भी लेंगे, आम लेंगे क्योंकि अचार भी डालना है,
इसलिए आम लेंगे, आम लेकर उनकी कटाई करवाएंगे, उनको काटेंगे या उधर से ही कटवाएंगे, काट कर फिर उनको पैक वगैरह करवा कर फिर हम घर की तरफ रवाना होंगे। ये देखिए जी, शिफ्टिंग चेंज हो गई है, पहले ये कर रहे थे, ये करने लग पड़े, मेरे लगता थके होंगे, इसीलिए उस्ताद से मांगते हैं एक छोटा सा चेक करते हैं कैसे क्या। उस्ताद एक चेक तो कराया है छोटा पीस। लो जी हम खा के चेक करते हैं, काफ़ी मज़ेदार है। ये उस्ताद की वाह स्पीड है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ का हाल, ओए बहुत दर्द हो रही है, भारी बहुत था सामान यार, क्या करता मैं। देखिए लाल हो गए हैं। और गाइस मैं सामान लेकर आ चुका हूँ, सामान वगैरह पीछे रख दिए गाड़ी में, एसी चल रहा है अब यहाँ पे सुकून है। बाहर तो बहुत गर्मी है, अखीर की गर्मी है, वो अल्लाह खैर करे। वो मुझे क्या कि कह के गए थे कि यहाँ पे बैठो मैं भी और सामान ले आऊँ, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं ले आए। मेरे तो हाथ ही देखे, हाथ देख सकते, अल्लाह खैर करे। और गाइस कैसे हैं यार, आपसे मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बावक़्त पहुँच सके। और जिस किसी ने भी मेरी पिछली वीडियो व्लॉग नंबर 2 नहीं देखा उसे ज़रूर देखें, बहुत ही फन किया मैंने, अखीर कर दी है, अखीर ही कर दी मैंने ब्लॉग नंबर 3। जिस किसी ने नहीं भी देखा वो ज़रूर देखे। उसमें मैं और अबू जान और ताया अबू गए थे वहाँ पर पोशिंग करवाने गाड़ी की, वहाँ से करवा के आए हैं, बहुत ही अखीर का फ़न हुआ है। मैं कहता हूँ मेरे साथ बड़ा बड़ा पोपट हो गया था, पहले मैं गया यहाँ से। मैं आपको ज़रूरी है कि आप ना पिछली बैग वाली वीडियो देखें, प्रीवियस वीडियो, तो फिर आपको ज़रूर समझ लगेगी। तो गाइस मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहता हूँ कि ना जो मेरे पास मोबाइल है ना ये इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहा, आप मुझे कोई अच्छा सा मोबाइल बता दे जिसका फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा का रिज़ल्ट अच्छा हो, मैं वो ज़रूर ले लूँगा। आप मुझे थोड़ी सी एडवाइस दे सकते हैं? नहीं। तो गाइस अब हम घर की तरफ रवाना हो चुके हैं, खड़ा मंडी से सामान ले के अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और घर जा के फिर करेंगे नाश्ता। नाश्ते के बाद जुमातुल मुबारक की तैयारी करेंगे क्योंकि योम अशूर का पैदा। तो गाइस मुझे तो भूख लग रही थी, इसी वजह से मैंने कहा नहीं यहाँ से नाश्ता करके जाता हूँ घर जाते, तो तकरीबन आधा घंटा तो लग ही जाएगी, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि मैं नाश्ता करके थोड़ा सा रिलैक्स होऊंगा, इसलिए मैं नाश्ता करने लगा हूँ। और नाश्ता करके फिर लेंगे समोसे, जो उकाड़ा के मशहूर समोसे हैं, उकाड़ा के मशहूर समोसे लेंगे, उन्हें लेके फिर घर जाके खाएँगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे, चिल करेंगे। तो मैंने नाश्ता कर लिया, अब लेंगे समोसे फिर घर चलेंगे और फिर जुमे की तैयारी करके फिर रेस्ट कर लेंगे, जुमा पढ़ के रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ी सी रेस्ट करके तबीयत जो है बैलेंस हो जाएगी, इसी वजह से सारा सीन क्लियर हो जाएगा। तो गाइस अब हमने नाश्ता कर लिया, अबू जान ने कहा है कि कुछ घर भी लेकर जाना है, इसीलिए अब हम समोसे लेंगे। और ये जो दुकान है ये उकाड़ा के मशहूर दुकान है। तो गाइस समोसे ले लिए, अब चलते हैं घर की तरफ, पहले तो बैठेंगे गाड़ी में, गाड़ी में बैठ के फिर जाएंगे घर।
तो गाइस टाइम की मैनेजमेंट के हिसाब से 1:30 बजे हर जगह पर जुमा हो जाता है, इसलिए वहाँ पर पहुँचना मुश्किल होगा। और इसलिए हम उकाड़ा में हज़रत करमा वाला की मस्जिद में जुमा अदा करेंगे, यो में शूर का पहला जुमा। अल्लाह ताला सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि हर कोई पढ़े माशाल्लाह से। और यो में शूर का पहला जुमा है, अल्लाह ताला सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और अब हम मस्जिद की तरफ रवाना होते हैं, और अगर कोई चांस मिला तो आपको मैं इंट्रो जरूर दिखाऊँगा मस्जिद। तो लो जी गाइस, मैं मस्जिद की तरफ रवाना हो रहा हूँ, जाके जुमा पढ़ते हैं, पढ़कर फिर वापसी घर चलें। तो गाइस अब हम जुमा पढ़कर आ चुके हैं, अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस अब हम घर की तरफ रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर बाद हम घर पहुंच जाएंगे। पर उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बवक्त पहुँच सके। ओके गाइस, मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन कितने 5:05 हो गए हैं, और मैं अभी भी वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। सुबह के 5 बजे कैमरा भी खा रहा हूँ भाई को कि सुबह के 5:05 हो गए हैं, और मैं अभी भी एडिटिंग कर रहा हूँ। आप देखिए कितना मुश्किल काम है, और अगर आप आगे से इसका इतना रिस्पांस ना आए तो फिर बहुत मतलब अच्छा ही लगता। तो आपकी गुजारिश होगी कि ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और साथ ही साथ लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें।